तो दोस्तों आज 23 जुलाई 2020 गुरुवार का दिन हो चुका है, तो आइए फटाफट से बात कर लेते हैं आज शिक्षा विभाग से जुड़ी कुछ ताज़ा खबरों की और कुछ बड़ी खबरों की। एसआई भर्ती 2016 में सफल अभ्यर्थी कृष्णा शर्मा को आवेदन पत्र में संशोधन की अनुमति नहीं देने पर राजस्थान हाईकोर्ट में न्यायाधीश इंद्रजीत सिंह की एकलपीठ ने अतिरिक्त मुख्य सचिव याचिका के वकील लक्ष्मीकांत शर्मा मालपुरा ने हाईकोर्ट को बताया कि भर्ती की लिखित और शारीरिक दक्षता परीक्षा को उत्तीर्ण करने पर आयोग ने उसे साक्षात्कार के लिए बुला लिया है। आपको बता दें, इस दौरान उसने उप निरीक्षक की चार श्रेणियों में उसकी ओर से भरे गए विकल्प को परिवर्तित करने के लिए आवेदन किया, लेकिन आरपीएससी ने लिखित परीक्षा हो चुकने का हवाला देते हुए आवेदन को खारिज कर दिया। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय ने अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों के लिए जुलाई 2020 सत्र के बीए बीकॉम बीएससी पाठ्यक्रमों सहित कुल 100 पाठ्यक्रमों में प्रवेश निःशुल्क कर दिए गए हैं। इग्नू क्षेत्रीय कार्यालय जोधपुर के क्षेत्रीय निदेशक डॉक्टर अजय वर्धन आचार्य ने बताया कि इग्नू मुख्यालय नई दिल्ली के नोटिस जारी कर जुलाई 2020 सत्र के लिए मानव संसाधन विकास मंत्रालय की ओर से संचालित SCSP एवं TSP योजना के तहत कला में स्नातक, वाणिज्य में स्नातक और विज्ञान में स्नातक, कृषि नीति में स्नातकोत्तर प्रमाण पत्र, साइबर कानून में स्नातकोत्तर प्रमाण पत्र और गैर सरकारी संगठन प्रबंधन में प्रमाण पत्र, जैविक खेती में प्रमाण पत्र सहित विभिन्न कोर्सों को लगभग जिनमें 100 पाठ्यक्रम शामिल है प्रवेश निःशुल्क कर दिया गया है। प्रदेश की तकनीकी शिक्षा में प्रथम बार बीकानेर तकनीकी विश्वविद्यालय द्वारा वर्चुअल लैब के माध्यम से ऑनलाइन प्रैक्टिकल आयोजन के नवाचार की शुरुआत की गई है। आपको बता दें, विश्वविद्यालय ने अपने नवाचारों की श्रृंखला के अंतर्गत भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली के तत्वाधान में अपने सभी संगठक और संबद्ध महाविद्यालयों को वर्चुअल लैब शुरू करने के लिए कहा है। आपको बता दें, इस हेतु विश्वविद्यालय ने सभी संबद्ध महाविद्यालयों को इसके लिए दिशा निर्देश भी जारी कर दिए हैं। शिक्षक संघ राजस्थान एलिमेंट्री एंड सेकेंडरी टीचर एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष के आह्वान पर राज्यभर में संघ से जुड़े सदस्यों ने 2004 के बाद सरकारी सेवा में आए कर्मचारियों की कंट्रीब्यूटरी पेंशन न्यू पेंशन स्कीम को बंद करके पुरानी पेंशन बहाली के लिए एक साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को सैकड़ों ज्ञापन और ईमेल भेजे। आपको बता दें, प्रदेश अध्यक्ष ने ज्ञापन में तथ्यात्मक रिपोर्ट पेश करके बताया कि भारत सरकार व राज्य सरकार ने किस प्रकार धोखा करके पुरानी पेंशन को छीन लिया और पेंशन के लिए 10% राशि सरकारी कर्मचारी की, साथ ही 10% राशि सरकार की ओर से जमा करवाई जाती है। राजकीय बांगड़ स्नातकोत्तर महाविद्यालय पाली में SFS स्नातक द्वितीय और तृतीय वर्ष के विद्यार्थियों की सत्र 2020-21 का प्रवेश शुल्क जमा कराने के लिए अंतिम अवसर प्रदान करते हुए शुल्क जमा करवाने की अंतिम तिथि 18 जुलाई से बढ़ाकर 24 जुलाई कर दी गई है। राजस्थान हाईकोर्ट ने जयपुर, जोधपुर और कोटा के नवसृजित 6 नगर निगमों के चुनाव 31 अक्टूबर तक कराने की अनुमति दे दी। आपको बता दें, हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश इंद्रजीत सिंह महांती और न्यायाधीश प्रकाश गुलाब गुप्ता की खंडपीठ ने ये आदेश राज्य सरकार की ओर से दायर प्रार्थना पत्र पर दायर दिए। राज्य के लॉ कॉलेजों को नए शैक्षणिक सत्र 2020-21 से अब डॉक्टर अम्बेडकर विधि विश्वविद्यालय से संबद्धता लेनी होगी, यानी नए सत्र से इन कॉलेजों के प्रवेशित और नामांकित होने वाले विद्यार्थियों की परीक्षाएं लेने और डिग्री देने सहित अन्य काम अब अम्बेडकर विधि विश्वविद्यालय की ओर से किया जाएगा। हालांकि राज्य के विश्वविद्यालयों के घटक कॉलेजों को छोड़कर बाकी सभी विधि कॉलेजों की संबद्धता के लिए बुधवार को उच्च शिक्षा विभाग ने आदेश भी जारी कर दिए। राज्य सरकार ने प्रदेश की सरकारी स्कूलों में कंप्यूटर शिक्षा को सुदृढ़ करने के लिए 511 स्कूलों में कंप्यूटर लैब खोलने की स्वीकृति दे दी है, लेकिन हैरानी की बात है कि पूर्व में संचालित कंप्यूटर लैब में पड़े कंप्यूटर भी धूल मिट्टी से खराब हो रहे हैं, उन्हें बिना संचालित के ही उनकी गारंटी अवधि पूरी हो चुकी है। राजस्थान में 76 ब्लॉकों में सरकार द्वारा संचालित महात्मा गांधी विद्यालय खोले जा रहे हैं। राज्य सरकार ने इन अंग्रेजी माध्यम स्कूलों को खोलने के आदेश भी जारी कर दिए हैं। आपको बता दें, राज्य के 167 में से ऐसे ब्लॉक जहां स्वामी विवेकानंद मॉडल स्कूल नहीं है, 76 अंग्रेजी माध्यम के महात्मा गांधी विद्यालय खोले जाएंगे। सरकार द्वारा संचालित स्वामी विवेकानंद मॉडल स्कूल अंग्रेजी माध्यम में CBSE पाठ्यक्रम से संबद्ध है, जबकि महात्मा गांधी विद्यालय अंग्रेजी माध्यम में भी पढ़ाए जाते हैं, लेकिन राज्य बोर्ड पाठ्यक्रम से संबद्ध है। लेकिन देखने वाली बात यह है कि अभी अंग्रेजी मीडियम स्कूल भी कब तक खोले जाने की कवायद शुरू होगी। कोविड-19 के चलते पूरे देश में इस समय ऑनलाइन क्लास का चलन है। शहरी क्षेत्र में ज्यादातर स्कूल डिजिटल लर्निंग को बढ़ावा देने के नाम पर ऑनलाइन क्लास शुरू कर चुके हैं। इस बीच राष्ट्रीय सांख्यिकी संगठन के आंकड़े थोड़े से चौंकाने वाले। आपको बता दें, आंकड़े कहते हैं कि देश के शहरी इलाकों में 23% घरों में कंप्यूटर, जबकि ग्रामीण इलाकों में से आंकड़ा घटकर केवल 4% है। हालांकि ऑनलाइन स्कूलों के पक्षधर इससे अलग तर्क देते हैं। उनकी दलील है कि मोबाइल और इंटरनेट के माध्यम से पूरे देश में ऑनलाइन क्लास हो रही है।
तो दोस्तों ये थी आज 23 जुलाई 2020 से जुड़ी शिक्षा भाग की कुछ बड़ी खबरें। शिक्षा भाग से जुड़ी प्रत्येक बड़ी अपडेट के लिए लगातार आप बने रहे हमारे साथ में। प्रत्येक बड़ी खबर का नोटिफिकेशन लगातार आप तक पहुंचता रहे, इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। साथ ही राजस्थान के BGSTC, PTT, REET, स्कूल एजुकेशन और कॉलेज एजुकेशन से जुड़ी प्रत्येक बड़ी खबर प्रमाणिक तौर पर हम सबसे पहले आप तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। यदि आपकी भी इनसे रिलेटेड कोई क्वेरी है, कोई समस्या, तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपकी कमेंट की समस्या के समाधान का हम तुरंत प्रयास करने का प्रयास करते हैं। इसी के साथ साथियों, यदि आप इनसे जुड़ी हुई शिक्षण सामग्री भी प्राप्त करते हैं तो इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, जिससे हमारी प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन लगातार आप तक पहुँचता रहे और आप एक वीडियो मिस ना करें।